हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा आपके चांसेस होते हैं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बीकॉम पास में खास तौर पर, या आपके पास अगर आप 10 ईयर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इस चैप्टर का, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एज वेल एज बहुत आसान और बहुत अच्छा टॉपिक अगर आप इसे कह सकते हैं। तो आज हम आपको इसके इंट्रोडक्शन यानी जितने भी फॉर्मुलेज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, वैसे कई अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं इसके अंदर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेज दिखवाते हैं, लेकिन हमारा कोशिश यही है कि आपको कम से कम फॉर्मुलाज के साथ, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट के साथ इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग बड़े आराम से डील कर सके। तो आप देखिए, जितने भी फॉर्मुलेज मैं आपको इस चैप्टर में पूरे करवाऊंगी मैंने वो एक ही जगह पर आपके लिए लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को बार बार अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है डिफरेंस। देखिए, कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, टोटल कॉस्टिंग पे बिलीव करते हैं। लाइक वो क्या करते हैं, आपको पता है कि कॉस्ट में दो तरीके का बाइफर्केशन होता है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, राइट। मतलब बिजनेसमैन का ये मानना है कि फिक्स कॉस्ट तो ऐसी कॉस्ट होती है, इसको संक कॉस्ट मानते हैं। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है, अगर आप बिजनेस चलाओगे तो भी आपको पड़ेगी, और अगर आप बिजनेस बंद कर दोगे, यानी अगर आपके ऑपरेशंस अभी बंद हो जाते हैं, बिजनेस बंद नहीं सॉरी ऑपरेशंस अगर आप बंद कर देते हैं तो भी आपको फिक्स कॉस्ट पड़ती ही पड़ती है। तो उनका जो फोकस होता है वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट ठीक है, हम लोगों ने जो रेवेन्यू कमाया उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिक्स कॉस्ट भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे बिजनेस को वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऐसी अगर मैं ऑपरेशन बंद भी कर दूं तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट मुझे पड़ेगी। अब ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होती है डियर, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है उन्हें वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और जो कॉस्ट बिजनेस को पड़ती है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन उन्हें हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। एग्जांपल चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है रॉ मटेरियल। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर कॉस्ट, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे लेबर कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फैक्ट्री का रेंट देना है तो अगर आप एक यूनिट बनाए या 1000 यूनिट बनाए, जो रेंट रिसीव करने वाला पर्सन उसे कोई मतलब नहीं है, तो रेंट आपके लिए फिक्स चार्जेस जाता है। इसी तरीके से अगर हम मशीनों की बात करते हैं, चलाते हैं मशीनों को तो भी डेप्रिशिएट होती हैं, अगर हम नहीं चलाते तो भी डेप्रिशिएट होती हैं। कार का एग्जांपल ले लीजिए, अगर कार खड़ी रहे तो भी उसके इंजन और सब चीजों में कोई ना कोई दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और चलती रहती है तो डेफिनेटली वो पैसा मांगती है। तो दिस इज व्हाट कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं डियर जिनको आपको खर्च करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने इंश्योरेंस ले रखा है फैक्ट्री का या कहीं का भी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके फिक्स चार्जेस है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन। तो फिक्स कॉस्ट को कई जो बिजनेसमैन है, मार्जिनल कॉस्टिंग में यही चीज है कि वेरिएबल कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, यानी वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, यानी ये माना गया कि अगर आपका बिजनेस सेल करके वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लेता है उसके बाद फिक्स कॉस्ट कवर कर ले तो एक अलग बात है, लेकिन फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है अगर मैं ऑपरेशन बंद भी करूं तो भी वो पड़ेगी पड़ेगी। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए, अगर वो ना कवर हो तो मुझे सोचने में आना चाहिए कि मुझे बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है टोटल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो आपके पास एक फॉर्मेट है, अगर आप देखेंगे मैं सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से आपको करके दिखाऊंगी। क्या फॉर्मेट है डियर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जिसके बारे में हमने बताया, तो ये आपके पास आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में जो डील करते हैं वो एक और पड़ाव पर जाते हैं, सीधा प्रॉफिट पर नहीं आते, वो एक और पड़ाव पर आते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि प्रॉफिट से पहले आता है। यानी वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करके जो आपके पास मार्जिन आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करा जाता है तो हमारे पास आता है प्रॉफिट, जिसे हम यहां पर पाई से डिनोट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में पाई का मतलब आपके पास प्रॉफिट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे पाई का मतलब आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है 3.14, लेकिन अगर हम यहां पर पाई लिखेंगे तो प्रॉफिट को डिनोट करेगा। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट। वेरी इजी कंसेप्ट, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, राइट। अब आपके पास एक दो फॉर्मुलेज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उन्हीं के बेस पर आपका ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। पहला, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। ये रेशियो क्या बताती है कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, दैट मीन्स दिस वन, सेल्स का कितना परसेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। देखिए फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स दिस अपॉन सेल्स इंटू 100, लेट इट बी कॉन्ट्रीब्यूशन इज 40%। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी सेल्स 100 रुपए है तो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है आपके पास 40, याद रखिएगा।
तो बेसिकली ये जो रेशियो है ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करती है, और ये कुछ भी आ सकती है 50% 60%, पर इसका मतलब क्या होगा, इसको रीड कैसे करना है, आपको रीड करना आना चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। इसके बिहाफ पर आधे से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं आपके पास कि कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। तो अगर ये 60% आए तो इसका मतलब ये होगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन 60 है और सेल आपके पास 100 है, या आप ये कह सकते हो सेल्स अगर आपको गिवन है तो उसका अगर 60% आप कर देते हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो दैट इज वॉट पीवी रेशियो। ठीक है, एक फॉर्मूला पीवी रेशियो का ये है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बट अगर आप अपने पेपर्स के पैटर्न देखेंगे तो आपके पास एक और तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें क्या होता है, 2 सालों के प्रॉफिट और 2 सालों की सेल्स आपको गिवन होती है, तो वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाओगे आप क्योंकि सिर्फ सेल्स गिवन है और सीधा प्रॉफिट गिवन है और वो भी 2 सालों का इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ऐसे केस में आपको पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो कि आप कर पीवी रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। यानी जो 2 प्रॉफिट्स दे रखे होंगे उनके बीच का डिफरेंस ले लीजिएगा, 2 सेल्स दे रखे होंगे उनके बीच का डिफरेंस इनटू 100, तो उससे भी आपके पास पीवी रेशियो निकल आएगी जिसको हम कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो कहते हैं। इज इट ओके? पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो एक ही बात है, क्या बताती है, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। एक बात को समझने की कोशिश करिए, अगर हमने यहां पर पीवी रेशियो 40% लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स का 40% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये क्लियर हो गया कि 60% क्या है आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट। तो एक और चीज आप समझ सकते हैं कि पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का जो सम होता है दैट इज 100%। देखिए इट्स 100% राइट, तो आपके पास अगर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है तो उसका मतलब ये होगा कि वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना परसेंट है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो सेल्स का 60% करके वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, माइनस कर दीजिएगा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकलने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो पीवी रेशियो क्या बताता है आपको कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, और वी हैव टू वेज, एक है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, और अगर 2 क्वार्टर की या 2 हाफ्स की आपको इन्फॉर्मेशन दिए, 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन दिए जिसमें 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट दिए, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है डियर, ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये भी आप पहले से जानते हैं, अगर आपको पता हो इकोनॉमिक्स में आपको याद होगा तो हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू कर्व होता था राइट, और यहां आपके पास ये टोटल कॉस्ट कर्व होता था। जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट इज द सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि जितना मैंने रेवेन्यू कमाया उतनी ही मेरी टोटल कॉस्ट थी, यानी मेरा जो रेवेन्यू था उससे मेरी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो गई, उसके बाद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा। दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये बोलेगा कि ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दीजिए। क्या डिफरेंस है ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट में? अगर आपको ब्रेक इवन सेल बोलेगा तो आपको वो क्वांटिटी बतानी है रुपीज में जिसको अगर आप सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और अगर आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछेगा तो उसका मतलब ये होगा कि यूनिट्स में आपको बताना है कि कितनी यूनिट सेल करी जाए कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है। तो इसके लिए आपको क्या बातें याद रखनी है डियर, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होगा सेल्स वॉल्यूम यानी इन टर्म्स ऑफ रूपी, और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। जब भी आपसे ब्रेक इवन पॉइंट मांगे या ब्रेक इवन सेल्स मांगे, एक बात क्लियर है, प्रॉफिट को आपने क्या रख देना है, जीरो। तो ये अंडरस्टूड रखना है आपने कि आपने स्टार्ट ही ऐसे करना है कि प्रॉफिट को सबसे पहले क्या रख देना है, जीरो। या आप ये भी कह सकते हैं जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होता है, क्योंकि जितना भी कंट्रीब्यूशन में बचता है वो सारा का सारा फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने में चला जाता है, तभी तो आपके पास प्रॉफिट जीरो होता है। तो दोनों में से कोई भी बात आप समझ सकते हैं राइट। इसके बाद एक और शब्द आता है डियर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ व्हाट डज मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस? आप ब्रेक इवन सेल से जितना भी ऊपर सेल करते हैं सेफ पार्ट हो गया आपके लिए। अब जैसे ये मान लीजिए ब्रेक इवन सेल्स आपके पास 50,000 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 50,000 रुपए का माल बेचते हैं तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो ऑब्वियसली कंपनी से अबव बेचना चाहेगी। तो अगर 50,000 से आप जितना भी ऊपर बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, यहां पर आप 80,000 रुपए की सेल्स कर रहे हैं राइट, तो अगर आप 80,000 रुपए की सेल्स कर रहे हैं तो आप देखिए ये प्रॉफिट पोर्शन है आपके पास, तो जितना भी आपने ऊपर सेल करा 30,000 रुपीज, दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड फॉर्मुला इज ऑल्सो डिपिक्टेड कि हम यही चीज समझ रहे हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। और अगर आपसे कहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो बहुत आसान है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपने यहां से निकाली है अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। तो आप देखोगे तो मैंने आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले बताए, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो भी बहुत आसान है अगर आप समझ जाएं कि भाई ब्रेक इवन सेल से कितना ऊंचा सेल करा हमने, कितना ऊपर जाके सेल करा, दैट इज वॉट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और पीवी रेशियो,
इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस फॉर्मेट की मदद से ही हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जब तक एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते शायद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने फर्स्ट पार्ट में ही आपके पास दो क्वेश्चन लिए और वो भी आपके प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए डियर क्या कहता है, अ कंपनी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। इफ मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 8 रुपीज एंड 10 रुपीज पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखिए डियर यहां पर हम अपना फॉर्मेट बना लेंगे, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा है तो दो कॉलम होने चाहिए, एक एक्चुअल सेल्स का, एक ब्रेक इवन सेल्स का। तो मैं अपने उसी फॉर्मेट से सारा क्वेश्चन करूंगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज योर प्रॉफिट। तो यहां पर एक्चुअल सेल्स का कॉलम बना लिया, यहां पर ब्रेक इवन सेल्स का। ब्रेक इवन सेल्स में एक बात पक्की है कि प्रॉफिट हमने रख दिया जीरो, और एक्चुअल सेल्स का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 30,000, राइट। अब आपके पास लेट कर लीजिए कि जो एक्चुअल सेल्स की यूनिट है वो एक्स है, राइट, और ब्रेक इवन सेल्स की जो यूनिट है वो है वाई। अब आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 10, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा आपके पास 10y। आपको मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो एक यूनिट पर अगर 8 रुपए खर्च होते हैं तो x यूनिट पर इतने, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये हो गया 2x, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली यहां पर भी आपके पास ऐसे हो गया कि एक यूनिट पर अगर 8 रुपए खर्च होते हैं तो y यूनिट पर दिस, तो ये आपके पास 2y हो गया, राइट। और हमें पता है कि जो ब्रेक इवन सेल्स होती है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट सेम होता है, तभी आपके पास आंसर क्या आ जाता है, जीरो। और फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि इस कंपनी की सेम रहती है, तो यही फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास यहां पर भी आ गई, राइट। चाहे आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, आप अपना फॉर्मेट कंप्लीट करिए। हमने क्या किया, हमने लिखा सबसे पहले प्रॉफिट एक्चुअल सेल्स पर, और यहां पर लिखा ब्रेक इवन सेल्स पर आपका प्रॉफिट है जीरो, राइट। उसके बाद हमें दे रखा है कि एक यूनिट 10 रुपए की बिकती है, तो हमने यहां एक्चुअल सेल्स यूनिट ले ली एक्स और यहां ले ली वाई। तो एक यूनिट अगर 10 रुपीज की बिकती है तो 10 एक्स यूनिट कितने की होंगी, 10x। एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 8 रुपए लगते हैं तो एक्स यूनिट में 8x, तो ये आ गया आपके पास 2x। फिर हमने ऐसी ब्रेक इवन में करा और हमें ये चीज क्लियर थी कि 2y-2y दैट इज जीरो, राइट। तो यही फिक्स कॉस्ट आपके पास यहां पर भी आ जाएगी। तो यहां से क्या इक्वेशन बन गई आपके पास, 2x-2y इक्वल टू 30,000, राइट। 2 कॉमन ले लीजिए, x-y, 2 वहां जाके डिवाइड हो गया, तो आपके पास x-y की वैल्यू आ गई 15,000। अच्छा, आप लोगों को क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है जी। एक्चुअल सेल्स कितनी है आपके पास, 10x, और ब्रेक इवन सेल्स कितनी है आपके पास, 10y। 10 कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया आपके पास, x-y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 15,000, यहां पे रख दीजिए। देखिए बिना x और y की वैल्यू निकाले आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 1,50,000 रुपीज इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहां पर हमें कोई जरूरत नहीं है कि एक्चुअल सेल्स होनी चाहिए और ब्रेक इवन सेल्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल मिसिंग है और हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक ही बन रही है। तो यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास निकल गया। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और ये आपके करंट ईयर के एग्जाम में आया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग आर कॉस्ट एंड सेल्स इन अ मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ 2013 एंड 2014, ये आपको दे रखी है इन्फॉर्मेशन, राइट। आपको सेल्स दे रखी है फर्स्ट हाफ की और ये दे रखा है टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको दोनों की, राइट, 2013 और 2014। तो यहां पर भी हमें अपना क्वेश्चन करना है और हमसे क्या क्या पूछा गया, एक तो पीवी रेशियो मांगी गई है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट मांगा गया है, ब्रेक इवन पॉइंट मांगा गया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज मांगा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। सेल्स है हमारे पास 24 लाख रुपए की और यहां पर हमारी सेल्स है 30 लाख रुपए की। ये प्रॉफिट है हमारे पास 21,80,000 रुपए का, सॉरी प्रॉफिट नहीं गिवन, हमें टोटल कॉस्ट गिवन है। तो कोई बात नहीं, हमें प्रॉफिट चाहिए होता है तो अगर हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 24 लाख में से अगर हम 21,80,000 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,20,000 रुपए, राइट। और अगर हम इसकी बात करें 30 लाख है और 26 लाख टोटल कॉस्ट है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख। तो आपको हमने बताया था कि पीवी रेशो के दो फॉर्मूलाज हैं और तभी ये इस्तेमाल होते हैं जब आपके पास ऐसे दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, राइट, दो सेल्स और ये, क्योंकि आप देखिए कोई भी और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं और आप कंट्रीब्यूशन पे नहीं पहुंच सकते, और जब तक आप कंट्रीब्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे पीवी रेशो नहीं निकलेगी। तो यहां पर पीवी रेशो निकालने का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट
4 लाख, 2 लाख 80, इनका डिफरेंस 1 लाख 80, 2 लाख 20 सॉरी, चेंज इन सेल्स। तो यहां पर आपके पास डिफरेंस आ गया 6 लाख रुपीज इंटू 100। तो ये हमारे पास अब देखिए 1 लाख 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ये आपके पास आ गई डियर 30% पीवी रेशो, और ये दोनों पर एप्लीकेबल है। अब आप देखिए किस तरीके से ये टेबल कंप्लीट हो गया एक बार पीवी रेशो निकलने के बाद। क्या मतलब होता है पीवी रेशो का, कि कंट्रीब्यूशन 30% है सेल्स का, तो बस ठीक है, ये आपके पास सेल्स है, इसका 30% अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास 24 लाख का 30%, यानी 7 लाख 20 हजार रुपए आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली 30 लाख का आप निकालेंगे 30%, तो 9 लाख रुपए आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब आप देखिए 7 लाख 20 में से आपने कुछ माइनस करा होगा तो 2 लाख 20 आया होगा, तो ऑब्वियसली 5 लाख रुपए आपने माइनस करे होंगे तो 2 लाख 20 आया होगा। ऐसे ही 9 लाख में से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस करी होगी तो 4 लाख आया होगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। ऐसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट का मिसिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, 24 लाख में से 7 लाख 20 माइनस कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए किस तरीके से पीवी रेशो मिल जाने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसने आपसे क्या क्या चीजें पूछी थी, पहला पूछा था पीवी रेशो, निकल गया 30%, फिर आपसे पूछा था एनुअल फिक्स कॉस्ट, ये आपके पास निकलकर आ गई है डियर 5 लाख रुपए। अब उसने आपसे पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है आपके पास, जहां पर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जीरो होता है, तो प्रॉफिट को हमने रख दिया जीरो, ठीक है, और यहां पर आपकी ब्रेक इवन सेल को लेट कर लिया एक्स, ठीक है। अब आपके पास पीवी रेशियो है 30%, तो इसका क्या मतलब है कि जो कंट्रीब्यूशन है सेल्स का 30% है, तो हमने एक्स का 30% कर दिया, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी निकली हुई है तो वही रहेगी कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख रुपए, इज इट ओके। ब्रेक इवन सेल एक्स रुपीज, प्रॉफिट ब्रेक इवन पे जीरो होता है, पीवी रेशो सेम है, 30% आपके पास सेल्स का, और फिक्स कॉस्ट भी आपके पास सेम है 5 लाख, जब तक आपको बताई ना जाए। तो आपके पास इक्वेशन बनकर आ गई डियर 30% ऑफ एक्स माइनस 5 लाख इक्वल टू जीरो, तो 30% ऑफ एक्स को यहीं छोड़ा हमने, 5 लाख आपके पास यहां आ गया, तो एक्स इक्वल टू 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, तो ब्रेक इवन सेल पॉइंट्स में आ रही है आपकी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 6-6 पॉइंट आ रहा था तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका भी पार्ट हो गया ब्रेक इवन सेल। देख रहे हैं आप किस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मूलाज, राइट। उसके बाद हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज, और ऑब्वियसली ये 2013 की इन्फॉर्मेशन है, ये 2014 की इन्फॉर्मेशन है, तो हमें दोनों का अलग अलग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का हमें एक्चुअल सेल्स गिवन था, और दोनों के लिए हमने कॉमन ब्रेक इवन सेल्स निकाल लिया है, क्योंकि सेम पीवी रेशियो है, सेम सब कुछ है, फिक्स कॉस्ट, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला होता है डियर, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ परसेंटेज की बात करें तो इट्स एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन में एक्चुअल सेल्स इनटू 100, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। तो आप बताइए पहली बारी में एक्चुअल सेल्स कितनी है आपके पास, 24 लाख, और ये आपके पास है 16 लाख 6 हजार डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स 24 लाख इनटू 100, तो ये आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकल आएगा पहली फॉर्म, पहली बार का 2013 का। दूसरी बार का जो आपने निकालना है वो हो जाएगा आपके पास 30 लाख माइनस सेम अपॉन में 30 लाख, दैट इज एक्चुअल सेल्स इनटू 100। तो अब देखिए किस तरीके से आपने सिर्फ 2-3 फॉर्मूलेज आपने याद करने हैं, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपने याद नहीं करने, फॉर्मेट की मदद से किस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया। और भी हम इसके पार्ट्स लेकर आएंगे, आराम से आपको और क्वेश्चंस कराएंगे, 4-5 क्वेश्चंस आप और देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यस इट इज वेरी इजी टॉपिक, और बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।